हेलो फ्रेंड्स, हाय। आप देख रहे हैं हमारा चैनल जिसका नाम है क्रिएटिव हेल्प, और मेरा नाम है इंजीनियर मोहम्मद आमिर इस्लाम, और मैंने बीटेक किया जामिया मिल्लिया इस्लामिया से, और मुझे 4 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है एचवीएसी में। फ्रेंड्स, हाल में ही मैंने एक वीडियो बनाई थी कूलिंग टावर पे मैंने एक वीडियो बनाई थी, तो उसमें एक ब्लीड वॉल्व लगा था। ब्लीड वॉल्व का काम क्या होता है, फंक्शंस क्या होता है, लगाते क्यों हैं, तो इस पे ये वीडियो है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दो टर्म आती है, एक आता है ब्लीड ऑफ एंड ब्लीड डाउन। ये कूलिंग टावर में यूज़ होता है, जिसको कहते हैं ब्लीड ऑफ और ब्लीड डाउन। तो होता क्या है ये दो टर्म, जैसे कूलिंग टावर ब्लीड ऑफ और ब्लीड डाउन जब करते हैं, जब फ्लशिंग ऑफ पोर्शन ऑफ हाई मिनरल्स कंसंट्रेशन, मतलब हाई मिनरल्स अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, मिनरल्स जो हम यूज़ करते हैं, जब पानी होता क्या है कि इसको दिखाता हूँ। ये है हमारा, यहाँ पे जब एयर और वाटर का मैशअप हो रहा है, या जहाँ पे वाटर के अंदर मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स को हम यहाँ पे फिल्टर करके जब कंसंट्रेशंस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि वाटर में मिनरल्स होते हैं, जब आप एक्वा गार्ड जब यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी फिल्टर लगाते हैं किस लिए, कि जो भी डिज़ोल्व TDS जो होता है ना, TDS टोटल डिज़ोल्व सॉल्यूशंस के अंदर कितना सॉलिड्स, इसको सॉलिड कहते हैं, टोटल डिज़ोल्व सॉलिड, तो सॉलिड्स के अंदर मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स कहीं ना कहीं बाहर ना निकल जाए, तो इस वजह से हम उसको देखते हैं। तो मिनरल्स की वजह से हमारा जो फ्लश करना होता है, ब्लो डाउन और ब्लीड ऑफ जिसे कहते हैं, तो यहाँ पे फ्लशिंग ऑपरेशन हाई मिनरल्स कंसंट्रेशन कूलिंग टावर सिस्टम वाटर डाउन द ड्रेन while simultaneously replace it is with fresh water। अब ये क्या है कि जब हम ये जिसे concentrations बढ़ रही हैं, ठीक है, उससे मैंने एक videos भी दिखाई हैं, तो इसमें minerals की अगर concentrations बढ़ रही हैं suppose, तो minerals की concentration बढ़ने के लिए यहाँ पे एक वॉल्व लगाते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये है वाटर, और यहाँ ही पे इसके अपर लेयर पे मिनरल्स की कंसंट्रेशन बढ़ने लगती है, तो ये लगाते हैं हम ब्लीड वॉल्व। अब यहाँ पे देखते हैं, अब क्या है कि ब्लीड वॉल्व लगाते हैं क्योंकि ड्रेन करना रहता है वाटर को, ओके, और रिप्लेस करते हैं जब हम पानी निकाल रहे हैं। क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमारा मिनरल्स की कंसंट्रेशंस बढ़ गया उसके अंदर, तो मिनरल्स की कंसंट्रेशंस बढ़ गया तो निकाल रहे हैं, और निकालने की वजह से हमारा पानी का जो लेवल है कम हो जाएगा, तो लेवल कम हो जाएगा तो हमारी कूलिंग पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, तो उसमें हम फ्रेश वाटर डालते हैं। मैं अभी फिगर से बता दूंगा, पहले इस स्लाइड्स को समझ लेते हैं। रिप्लेस करते हैं फ्रेश वाटर से, एंड दिस प्रोसेस क्या होता है, डाइल्यूट द सिस्टम वाटर मिनरल कंसंट्रेशन, स्टेडली इंक्रीज द वाटर एवेपोरेशंस। तो होता क्या है कि हम ऐसा करते क्यों हैं, स्केल फॉर्मेशंस यहाँ पे थोड़ा समझ जाते हैं, ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। यहाँ पे मैंने एक, यहीं पे मैं समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा ब्लाइंड्स ये लिया है। सपोज़ कि ये मेरा वाटर है, अगर मैं इस पे कुछ डाल दूँगा ना, मतलब कुछ चीज़ डाल दूँगा, तो इसका सरफेस एरिया जो है ना कम हो जाएगा, सरफेस एरिया कम होगा, और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो इसका एवोप्रेशंस कम हो जाएगा, अगर एवोप्रेशंस कम हो जाएगा तो हमारी कूलिंग कम होगी, समझे। इसको पहले लॉक कर देता हूँ, तो हमारी कूलिंग कम हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ता है कि इसकी जो सरफेस एरिया को हटाना पड़ता है,
और सरफेस एरिया में क्या होता है हमारा, ये मिनरल्स आके जम जाता है, तो इसकी वजह से हम ऐसा करते हैं। एंड स्केल फॉर्मेशंस विल ऑकर इफ द कंसेंट्रेशन ऑफ द मिनरल्स इन द कूलिंग टावर इंक्रीज द हाई लेवल ऑफ द सेचुरेशन पॉइंट ऑफ द सिस्टम। अब इस लाइन को मैं समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखे होंगे ना कि अगर आपके घर में आरओ है तो उसका कभी फिल्टर निकाल के देखिएगा, वहाँ से मैं समझाता हूँ। देखिए आरओ के अंदर क्या होता है, आरओ मेम्ब्रेन लगा रहता है, आरओ मेम्ब्रेन, इसको कहते हैं आरओ मेम्ब्रेन। आरओ मेम्ब्रेन क्या करती है, मेन काम इसी का होता है, और बाकी जैसे कार्बन फिल्टर है, सेडिमेंट फिल्टर है, ये सारी फिल्टर है। आरओ मेम्ब्रेन को जब आप कार के खोल के कभी देखिए, ख़राब आरओ मेम्ब्रेन को, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें व्हाइट व्हाइट से स्केल जमा होगा। स्केल मतलब पखड़ी से जम जाती है, उसको कहते हैं स्केल, छोटा छोटा सारा। तो जब भी हम आरओ मेम्ब्रेन को अगर सपोज कि क्लीन करना होता है तो हम क्या करते हैं कि आरओ मेम्ब्रेन को खोल के उसको धो देते हैं, ठीक है, पूरी तरीके से धोते हैं। ऐसा आप मत करना, वो जैसे कि हमें पता है कि कैसे धोते हैं, ऐसा नहीं कि आरओ मेम्ब्रेन को घर के आरओ मेम्ब्रेन को खोल के धो दिया। आरओ मेम्ब्रेन को बहुत ही मतलब उसके प्रिकॉशंस रखते हैं कि कहीं वो हाईली स्किल्ड काम है, पहले आप मत करना ये। जब आरओ मेम्ब्रेन को खोलोगे इस तरह से तो ये इस तरह से पत्ती की तरह खुल जाएगी, ऐसे लपेट दोगे तो इस तरह का बन जाता है, इस तरह से पूरा बन जाएगा ये आरओ मेम्ब्रेन। से मान लो कि एक मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, तो उसके अंदर एक छोटा 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 ना काला का वाइट वाइट सा पानी का स्केल जमा रहता है, उसको स्केलिंग कहते हैं। वो स्केल जमा हो जाता है क्यों, क्योंकि वो मिनरल्स की वजह से होता है। तो जब वाटर का जो फॉर्मेशन कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स की वजह से कूलिंग टावर में भी स्केल बनना चालू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उसी को स्केल कहते हैं। एक फाउलिंग होता है, एक स्केल होता है, स्केल के बारे में समझ गए आप। छोटा छोटा टुकड़ा होता है ऐसे 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 वाइट वाइट सा जम जाता है, और ये जमता है मिनरल्स की वजह से, ठीक, ओके। तो उसका कंसंट्रेशंस बढ़ जाता है, एंड द मिनरल कंटेन अबव द सेचुरेशंस पॉइंट फॉल डाउन द सॉल्यूशंस ऑफ द वाटर फॉर्म हार्ड मिनरल स्केल थ्रू आउट द सिस्टम। अब धीरे धीरे क्या होगा कि ये हार्ड मिनरल सिस्टम बना देगा पूरे धीरे धीरे सिस्टम में। तो टिपिकली जो टावर जो होती है, जैसे 500 टन की टावर है और उसको 24 घंटा हम एक डे में चलाते हैं और 365 डे चल रहा है, तो लगभग विल फ्लश ओवर मतलब 3.9 मिलियन गैलन वाटर को ड्रेन किया जाता है हर साल। सोच सकते हो, ये सोचना बहुत ज़रूरी है। दिस ब्रेक डाउन द अप्रॉक्सीमेटली 10,800 गैलन ऑफ वेस्ट पर डे। ये बहुत ही चिंता देने की बात है, ये आपको समझना पड़ेगा। 450 गैलन पर आवर्स, 0.7 गैलन पर मिनट बीइंग फ्लश डाउन ड्रेन फ्रॉम द कूलिंग टावर सिस्टम 24 आवर, सो दैट्स अ लॉट ऑफ वाटर। ये बहुत ज़्यादा पानी होता है दोस्त, ये जो है ना, ये आपके, ये है आपका इंजीनियरिंग पूरा, दिस इज़ द इंजीनियरिंग। यू हैव टू नो हाउ मच वाटर यू आर जस्ट फ्लशिंग आउट एंड वेस्टेड, इसलिए तो देश में पानी की कमी हो रही है। अब यहाँ पे जो ब्लीडिंग वॉल्व लगा रखा है, ब्लीड, यहाँ पे मेकअप वाटर एक तरह से है, यहाँ पे देख सकते हैं मेकअप वाटर है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल में हैं तो मैंने एक वीडियो बनाई है कूलिंग टावर पे, कूलिंग टावर पे, तो प्लीज़, असल में ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद इसमें वो नहीं होता है, मतलब लास्ट में एंड स्क्रीन लगा पा रहा हूँ मैं, सो पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब आते हैं कि वाटर ट्रीटमेंट जो प्रोग्राम चल रहा है, जो कूलिंग टावर को, जैसे कि हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में क्या करते हैं हम, अच्छा हम क्या है कि जब HVAC में है ना, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट नहीं लगाते, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हम नहीं लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं, बहुत बहुत ही मैंने
मैंने बहुत ही कम देखा है, लेकिन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जब आप एनटीपीसी में, जब मैं था एनटीपीसी में, तो वहाँ पे कूलिंग टावर लगा हुआ था, और कूलिंग टावर जो लगा हुआ था वहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी था। बदरपुर में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, वहाँ आपने देखा था। सो यहाँ से हम चलते हैं कूलिंग टावर। अब हम क्या करते हैं कि हम कूलिंग टावर का जो वाटर का जो वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट को क्या कहते हैं, ब्लीड ऑफ। अब इसके लिए क्या करते हैं कि हमें स्केल, जो स्केल फॉर्मेशंस को रोकने के लिए हमें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो प्रोग्राम है चलाना पड़ता है, और ये अचीव करने के लिए कि जो इंक्रीज सेचुरेशन पॉइंट ऑफ वाटर एंड स्केल के अंदर इनहेबिटरी ट्रीटमेंट, मतलब स्केल नहीं बन पाए। जब हम वाटर को ट्रीट कर देंगे अच्छे से, उसका मिनरल्स को हम निकाल देंगे, तो स्केल फॉर्मेशंस बंद हो जाएगा। जब स्केल फॉर्मेशन बंद हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगा उसका सेचुरेशन पॉइंट। अगर मान लेते हैं इंक्रीज हो जाता है उसका सेचुरेशन पॉइंट, तो मोन मिनरल्स एग्जिस्ट करेंगे वहाँ पे, तो वाटर विदाउट फॉलिंग सॉल्यूशन फॉर्मिंग स्केल, अगर सेचुरेशन पॉइंट इंक्रीज करेगा तो जाहिर से तो हमें क्या करना है कि उसको इनहिबिट करना है किस तरह से, कि हमें स्केल नहीं बनने देना। स्केल नहीं बनने देंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, वाटर को ट्रीट करके भेजना पड़ेगा कूलिंग टावर में, तो वहाँ से हमारा स्केल बंद हो जाएगा, तो हमारा वेस्ट ऑफ वाटर जो है वो कम होगा। तो ट्रेडिशनली, जब पुराने ज़माने में ट्रेडिशनली क्या होता था कि अनलाइक वाटर ट्रीटमेंट कूलिंग प्लांट कंजर्व प्रोग्राम स्केल इनहिबिटेड टेक्नोलॉजी अराइज सिचुएशन पॉइंट ऑफ वाटर 3x लेवल ऑफ मिनरल्स इंक्रीज पोर्टेबल वाटर। दिस मीन्स, इसका मतलब क्या होता है कि अनलाइक ट्रेडिशनली वाटर ट्रीटमेंट, जो वाटर ट्रीटमेंट था कूलिंग टावर में, वो क्या होता था, कंजर्वेशन प्रोग्राम जो चल रहा था उसके अंदर क्या कर रहे थे कि जो टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे थे वो सेचुरेशन पॉइंट ऑफ द वाटर 3x लेवल ऑफ मिनरल्स के जो लेवल है उसको 3x इनकमिंग पोर्टेबल वाटर के हिसाब से हो जा रहा था। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो सिस्टम वाटर है उसके अंदर मिनरल्स का कंसंट्रेशन अलाउ कर रही थी 3x द लेवल ऑफ मिनरल्स ऑफ मेकअप विदाउट फॉर्मिंग स्केल। तो बिगर फॉर्मिंग स्केल को वो लेवल को, मिनरल्स के लेवल को 3x कर रही थी। दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्केल इनहिबिटर ट्रीटमेंट। तो मैंने बताया ना कि एक तो हमारा वाटर का ट्रीटमेंट कर दे, तो हमने क्या कर दिया कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये पॉसिबल हुआ कि जब हमने स्केल इनहिबिटर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को रोक देना। तो यहाँ पे हमने तो स्केल को हमने बनने से रोक दिया, तो इसके वजह से हमारा फॉर्मेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लान हमारा सही रहा। अब आते हैं WT3 जो है एक मॉलिकुलर बॉन्डिंग स्ट्रेंथ है, डैट इज़ 30x हायर देन द स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल इन स्केल इनहिबिटर। तो जो हमारा पहले क्या होता था कि जो भी पुराने ज़माने में जो हम वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते थे कि हमारा जो वाटर का 30 times को हम जो मिनरल कंसंट्रेशंस को स्केल फॉर्मेशंस बनाने से रोक लेते थे मिनरल्स को, ये एक प्रोग्राम ये है मॉलिकुलर बॉन्डिंग है CWT3, जिसके वजह से हम क्या कर रहे हैं कि जो ट्रेडिशनल स्केल इनहिबिटर है उसको हम स्केल फॉर्मेशन से हम रोक ले रहे हैं। कि इसके अंदर क्या है कि बॉन्डिंग स्ट्रेंथ 30x ग्रेटर देन द स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशनल इनहिबिटर। तो ये क्या करता है कि हाई सेचुरेशन पॉइंट का मींस होता है कि लेवल ऑफ मिनरल इन द सिस्टम ऑफ द वाटर अलाउड टू इंक्रीज द मिनरल्स, ओके, एंड इंक्रीज वाटर बिफोर ब्लीड ऑफ। द रिजल्ट क्या होता है इसका कि 90% जो रिडक्शंस होता है, 90% रिडक्शन वाटर वेस्ट ट्रीटमेंट ऑफ कूलिंग प्लांट वर्सेस 3 cycle ऑफ कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि हम एक तरह का इनहिबिटर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे हम एक नया टेक्नोलॉजी लाया है जो होल्ड कर लेता है मोर मिनरल्स के सॉल्यूशंस को, और वो होल्ड करने का मतलब है कि हमारा जो विदाउट स्केल फॉर्मेशन। तो हमने एक नया
प्रोडक्ट ईजाद किया जिसके अंदर से हमें मिनरल्स तो रहे वाटर में लेकिन वो मिनरल्स जो हैं स्केल फॉर्मेशंस को रोक दें। तो हमने नई टेक्नोलॉजी यूज़ की। अब आते हैं आगे, आप देखिए यहाँ पे एनुअल ब्लो डाउन कंप्रेशन है, ये है साइकिल ऑफ कंसंट्रेशन एंड ये है हमारा गैलन। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये वैरी कर रहा है, जो मैंने आपको बताया कि 500 टन का अगर कूलिंग टावर है और 2400 घंटा चल रहा है और 365 डे चल रहा है तो सोच सकते हैं कि क्या है इसका हालत। देख लीजिए, तो हम यहाँ तक समझे हैं, ये शायद लास्ट स्लाइड है। हाँ, रिप्ले किसे क्या होता है। तो अनदर एस्पेक्ट हम कूलिंग टावर का जो ब्लो डाउन है उसको देखने हैं कि वेस्टिंग ऑफ मिलियन ऑफ वाटर जो वेस्ट हो रहा है, हमारा ब्लो डाउन हो रहा है, वो टॉक्सिक केमिकल भी कंटेन करता है कि मेनली जो टॉक्सिक कंपोनेंट हैं जो वाटर से ट्रीट करने के प्रोग्राम से जो हो रहे हैं तो वो बायोसाइट ट्रीटमेंट, बायोसाइट्स ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बायोसाइट क्या करता है कि जो वाटर के जो बैक्टीरिया है या ऑर्गेनिज्म जो है जो उसके अंदर हैं कूलिंग टावर्स के अंदर, जैसे एल्गी बन जाता है और भी बहुत सारी चीज़ बन जाती हैं, वो क्या करता है कि प्रिवेंट करता है बायोलॉजिकल ग्रोथ करने के लिए कूलिंग टावर में। तो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर सपोज़ कि 500 टन का कूलिंग टावर है उसे फ्लश ऑफ कर रहे हैं तो हम अभी देखा है कि 3.5 मिलियन ऑफ गैलन हमें चाहिए, जिसके अंदर सोच सकते हैं कि टॉक्सिक जो होगा बायोसाइड्स जो जो डाउन होते हैं या ड्रेन एवरी ईयर हो रहे हैं हमारे, वो कूलिंग टावर में जो फ्लश जो हम कर रहे हैं। तो ब्लो डाउन वाटर नॉट सैनिटरी सीवेजेस, तो ऐसा नहीं कि हम कहीं भी फेंक दें या इन्वायरमेंटली को उसको सही तरीके से नहीं, तो उसको ट्रीट करके फेंकना चाहिए। कूलिंग टावर का जो वाटर कंजर्वेशन इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द कंजर्वेशन बट द पॉल्यूशन प्रिवेंट स्टैंड पॉइंट। इसका रिजल्ट क्या होगा कि कूलिंग टावर का वेस्ट तो 90% कम हो जाएगा और हमारा कूलिंग टावर की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें कि हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से हम करते हैं, तो पानी ख़राब हो गया तो उसको ट्रीट करके हम फिर से यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम फिर फेंक दिया, क्योंकि केमिकल्स वाले होते हैं इसमें बैक्टीरिया एल्गी वगैरह भी ये बढ़ने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आप मेरे ओवरऑल जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आप समझ गए होंगे, और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो पे के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। और फ्रेंड मैं ये कहना चाहता हूँ अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसमें 3 बेल आइकन बन के आ रहा है आजकल, तो इसमें से जो बेल आइकन फर्स्ट वाला है जिसमें इस तरह का बन जाता है उसको प्रेस कर दीजिएगा, जब भी मेरी वीडियो अगर आपके सामने आएगी तो वो आप देख सकते हैं। वीडियो को बहुत ही कम शेयर किया जाता है, लिटरली मैं इस वीडियो में नहीं अगली वीडियो में बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तब तक के लिए अपने ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।